बचपन में आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी और मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आपके दिमाग में काफ़ी दफ़ा ख्याल आया होगा कि यार ये कहाँ पे यूज़ होनी है या जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे आप अक्सर ओकात अपने टीचर से शायद पूछते स्कूल डेज़ के अंदर कि ये मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं वजह क्या है क्यों हम नंबर्स के साथ खेलते हैं या नंबर्स इतने ज़रूरी क्यों हैं तो आपको अक्सर जवाब मिलता था ये तो ऐसा ही है सिलेबस पास करना पड़ेगा आपको आपको अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए कॉलेज में जाने के लिए आपको ये क्लास को फिनिश करना पड़ेगा और यूजुअली अगर आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिलते थे तो वो आपको उस नहज तक पहुंचाते थे और बताते थे कि यार ये नंबर्स इस वजह से जरूरी हैं क्योंकि जो प्लेन्स उड़ रहे हैं ये बेसिकली एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसकी बेस पे सारे के सारे एंगल्स को हम डिफाइन करते हैं हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जो फ़जा के अंदर सारे के सारे जहाज़ हैं वो एक दूसरे के साथ टकराते क्यों नहीं है क्या इसके पीछे मैथमेटिक्स है क्यों जो दरख्त है वो इतना लंबा होता है और एक सेम प्लांट वो इतना छोटा भी हो सकता है जो दरख्त की तरह का दिखता है हाउ इज़ इट पॉसिबल कि बहुत बड़ी बड़े बड़े जानदार भी हैं और हमारे पास हषरात भी हैं और हमारे पास उससे छोटे जानदार जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म कहते हैं वो भी हैं क्यों ये इस तरीके से है कि जो पहिया हमारा गोल गोल चलता है ये इसकी एक मदत के बाद वो पहिया जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है या गाड़ी का इंजन ऑयल क्यों हम किसी एक स्पेसिफ़िक नंबर्स के बाद चेंज करते हैं तो ये इस तरह के काफ़ी दुनिया में क्वेश्चन आते हैं और आपको एक बात बता दूँ अगर आप जिंदगी के अंदर दुनिया के अंदर कोई भी फील्ड के अंदर आप जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों के साथ ज़रूर पाला पड़ता है उन चीज़ों को हम नंबर्स बोलते हैं नंबर्स क्या होते हैं ऑब्वियसली आपने बचपन में काउंटिंग सीखी होगी जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसे काउंटिंग सिखाई जाती है काउंटिंग क्या होती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वट इफ़ हम बच्चों को यही बताना स्टार्ट करें कि जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होती है ये है जीरो फिर है वन फिर टू फिर थ्री टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन या एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस की बजाय अगर जीरो से स्टार्ट किया जाए तो कैसा लगेगा और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर अच्छी आती हैं और यकीन माने कि अक्सर अवत पाकिस्तान के अंदर तो यही होता है कि अगर मैथमेटिक्स के टीचर बहुत अच्छे मिलते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि हमने जब बच्चों को पढ़ा रहे होना है, तो हमने चीज़ों को कंसेप्ट कैसे क्लियर करवाने हैं तो आज से ऑनवर्ड नेक्स्ट तकरीबन 30 से 40 दिन तक हम इन मैथेमेटिक्स सीखेंगे और मैथेमेटिक्स को रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स के साथ सीखेंगे रीज़न क्या है रीज़न यही है कि जब हम काउंटिंग कर रहे होते हैं हमारी अपनी पॉकेट मनी को तो ये बेसिकली एक मैथमेटिकल ही इक्वेशन आप कह लें या आप ये समझ लें कि काउंटिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास सौ रुपये है दस बीस तीस चालीस पचास में ऐसे उंगली लगा के चेक कर लूंगा और अक्सर का लो ऐसे भी उंगली लगा के चेक करते हैं सो यूजली होता क्या है कि मैथमेटिक्स आपकी दुनिया में जिंदगी में आपके पास इर्द गिर्द हर जगह पे है अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है तो उसकी भी कोई डायमेंशन है और उसके साथ एक यूनिट है कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन इतने इंचज़ की है अगर आप मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई प्रोसेसर है आपके पास तो उसके भी पता है आपको ये क्वाड कोर है ओक्टा कोर है कौन सा पी सी आ, है इसके अंदर अगर आप एक कैमरे के सामने बैठे हुए हैं या स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं उसके ऊपर भी नंबर्स आ रहे होंगे तो दुनिया नंबर्स की है ठीक है समझ रहे हैं बात को वो कहता है दुनिया पित्तल दी मैं कहता हूँ दुनिया नंबर्स की है तो एज ए डेटा साइंटिस्ट मैथमेटिक्स को हम डिफरेंट परस्पेक्टिव से देखेंगे और मैथमेटिक्स को हम समझेंगे सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आपने ज़िंदगी में काउंटिंग सीखी थी या आपको ऑटोमेटिकली आ गई थी इसका आंसर मुझे चाहिए और आई नो के ये बहुत बेसिक क्वेश्चन और आप कहेंगे कि यार डेटा साइंस सीखते सीखते हम किस तरफ आ गए अभी आपको मैं समझाता हूं कि काउंटिंग सीखी थी या आपको आ गई थी बिल्कुल आपने सीखी थी क्योंकि बच्चे को जब बोलना आता है हमारे माँ बाप हमेशा स्टार्ट कहां से करते हैं बेटा बोलो अम्मा बाबा और उसके बाद आगे जिंदगी क्या होती है ए फॉर एप्पल बी फॉर सी फॉर कैट ऐसे चलता है काम तो आपने काउंटिंग सीखी थी अगर आपने काउंटिंग सीखी आप मैथमेटिक्स भी तो सीख ही सकते हैं ना क्योंकि काउंटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स और अगर आपको काउंटिंग के साथ साथ जमा करने का पता है मनफी करने का पता है जिसको हम माइनस कहते हैं सब्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं फिर आपको डिवीजन का पता है आपको एडिशन का पता है आपको मल्टीप्लिकेशन का पता है आपको रिमाइंडर्स का पता है या कुछ और स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज अगर आपको आती हैं वो भी आपने सीखी थी वो आपके दिमाग में कहीं पर स्टोर हुई पड़ी हैं हमने इस पूरे माह के अंदर उस सारी टर्मिनोलॉजीज को निकालना है अगर आप छोटे बच्चे हैं और स्कूल जाते हैं बिलीव मी ये जो मैथमेटिक्स आप यहां पे सीखेंगे ना इन इन 40 दिनों के अंदर या 30 दिनों के अंदर आपको मैं इसका दिल दादा बनाने वाला हूं और ये जो पार्ट है ये हमारा छः माह का कोर्स चल रहा है उसका एक पार्ट है इफ यू वॉन्ट टू जॉइन दैट कोर्स यू कैन फाइंड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल जो टोटली totally फ्री है तो मैथमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं काउंटिंग से बिल्कुल बेसिक से हाँ जी काउंटिंग अब आइंदा आप कैसे स्टार्ट करेंगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये मैंने जानबूझ के जीरो से स्टार्ट किया रीज़न क्या है यही हमारे मैथमेटिक्स का जो सीरीज है उसका टॉपिक है जीरो टू मैथ अब जीरो से हमने स्टार्ट कर लिया है हमने वन पे गए हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने काउंटिंग पूरी की है लेट्स बी गेन विद दिनोलॉजीज पे हमारे पास जो है वो काउंटिंग चलती है एक छोटा सा लिटरल क्वेश्चन और भी आप लोगों से आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी जेब में इस वक्त कितने पैसे जारी बात है रेंज हमारे पास बहुत होगी पैसे कितने हैं आपके पास आपने कमेंट सेक्शन में लिखना और ओरिजिनल आंसर दीजिएगा मैं पानी का एक सिप लेता हूं मीन आप बताइएगा किसी के पास कुछ पैसे हैं किसी के पास कुछ पैसे हैं किसी के पास कुछ पैसे हैं अब आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि ये जो अभी आपके पास पैसे हैं आपके पास कल कितने पैसे थे और किस में से कितने खर्च लिए परसों कितने थे कितने खर्च लिए उससे पहले दिन चौथ जिसको हम बोलते हैं पीछे को अगर हम जाएं तो आज से चार दिन पहले आपके पास कितने पैसे थे पाँच दिन पहले कितने थे एक साल पहले कितने थे पूरी जिंदगी में कितने थे अगर आपको नहीं अंदाज़ा कि कितने थे तो आपको अब मैं बता देता हूँ जो चीज़ डेटा साइंस में आप स्टडी करते हैं वो यही होता है कि कलेक्टिवली आपका आज का डेटा तो आप जो खुद अपने हाथों पे या दिमाग में काउंट कर सकते हैं मैथमेटिकली थोड़ा सा बड़ा होगा तो कैलकुलेटर उठा लेंगे उससे बड़ा होगा तो एक्सेल की सपेट शीट्स उठा लेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होती है या आप डिफरेंट कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे उससे भी बड़ा होगा डेटा जो आपका अकेले का पूरे साल का नहीं है आपकी पूरी ज़िंदगी का भी डेटा हो सकता है जहां जहां पे आपने खर्च किए बेस्ड ऑन द क्रेडिट कार्ड जो आप यूज करते हैं या आपकी फैमिली का सारा डेटा हो सकता है या वो पूरे पाकिस्तान का डेटा हो सकता है कि पाकिस्तान ने कितना पैसा किस चीज़ पर खर्चा आपको एक न्यूज़ मिली होगी रिसेंटली कि पाकिस्तान तकरीबन डेढ़ दो अरब रुपए की चाय पी गया पत्ती जिसे हम बोलते हैं सो दीज काइंड ऑफ डेटा सेट जब आप इनके ऊपर काम करते हैं इसी को डेटा साइंस बोलते हैं आप इंडिविजुअली छोटे डेटा पे सेट पर काम करते हैं इसको मैथमेटिक्स बोल रहे होते हैं तो मैथमेटिक्स जब हम बड़े लेवल पे कर रहे होते हैं उसको डेटा साइंस बोलते हैं ठीक है तो आपको अगर मैथमेटिक्स छोटे लेवल पे नहीं आती होगी तो बड़े लेवल पे आप क्या करेंगे भाई ठीक है तो आज से हमने वही स्टार्ट करनी है ठीक है इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपके पास पैसे कितने हैं अब आपको यहाँ पर जो मेन चीज़ आज सिखाई जाएगी वो हम देखते हैं कि कैसे हमने मैथमेटिक्स को आगे लेके चलना है लें जी हमारी सीरीज का नाम है जीरो टू मैथमेटिक्स और आज हम स्टार्ट करने वाले जीरो टू मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर जो है हमारा जीरो टू मैथ या मैथमेटिक्स ठीक है अब मैथमेटिक्स क्या है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं आपने उसके दोबारा से आंसर मुझे करने सबसे पहले जब भी आप किसी चीज को काउंट करते हैं यानी कि गिनते हैं ठीक है काउंटिंग यानी कि आपके पास नंबर्स आ जाते हैं ठीक है मैंने आपको अभी बताया कि मैथ होती है अब आप जब काउंट कर रहे हैं तो आप ये तो नहीं कहते मैं आपसे पूछा आपके पास पैसे कितने हैं आप में से काफ़ी लोग जो हैं पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हैं तो उनका आंसर किसी का होगा पी में किसी का होगा यूएसडी में अगर वो अमेरिका में है कोई अगर यूरोप में है तो उनका होगा यूरो के अंदर ठीक है अगर कोई चाइना में है तो उनका आर वगैरह के अंदर होगा So, आपका यूनिट भी सेम नहीं होगा डिफरेंट होगा तो ये जो हमारे पास चीज है हमारे पास लिटरल जो चीज मैंने आपको बोली मनी को मैंने पैसा बोला था वैसे तो करेंसी हमारी तकरीबन रुपया है तकरीबन रुपया मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि जितना हाइक पकड़ी हुई है उसकी वजह से तो काउंटिंग के साथ जो अगली चीज है वो है मेयरमेंट मैथ की डेफिनेशन बना रहे हैं हम खुद से मेयरमेंट क्या है कि यूनिट कौन सा है आपके पास जिस चीज को आप मेयर कर रहे हैं उसका यूनिट क्या है मेयरमेंट के अंदर ठीक है यानी कि यूनिट क्या है या उसको स्केल क्या है कितना बड़ा या कितना छोटा है अब अगर कोई बोलता है एक रुपया अगर कोई बोलता है दस रुपया तो जीरो लगे अगर कोई बोलता है सौ रुपया तो सौ यानी कि वन हंड्रेड अगर कोई बोलता है हजार तो इस तरीके से हमारे पास जीरो इंक्रीज करते जाते हैं और हमारे पास जो वैल्यू है वो बड़ी होती जाती है ठीक है अगर कोई इसी तरीके से वन मिलियन बोलते हैं हम ऐसे तो लिख देते हैं बट एक्चुअली दिस मीन्स सिक्स जीरो आफ्टर दिस थिंग ठीक है तो हम ये क्वांटिटीज जो हमारे माइंड में आ रही हैं इनको हम मद्देनजर रखते हैं और ऑब्वियसली जब बिजनेस एनालिटिक्स की हम बात कर रहे होते हैं या बिजनेस को हम पढ़ रहे होते हैं तो हम मैथ को ही पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास यूनिट्स जो होने वो जरूरी हैं अब यूनिट्स की अगर बात की जाए तो मुझे एक बात बताएं टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है टेम्परेचर जो है इसका यूनिट क्या होता है अब आप कहेंगे जी डिग्री लेकिन डिग्री तक बात महदूद नहीं रहती हम कहते हैं कि आज सत्रह डिग्री हो गया ठीक है या मैं कहता हूं मेरे पास जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो चार डिग्री है जो साथ में नंबर के साथ यूनिट है वो बड़ा मैटर करता है डिग्री सेंटीग्रेड है या डिग्री फॉरन हाइट है यह बड़ा मैटर करता है तो आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर यूनिट्स भी आप देखते हैं फिर मैं आपको एक और बात पूछता हूँ मुझे एक बात बताएं अगर आप किसी एक चीज को मैयर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल uh, मैं एक बात करता हूं आपसे कि मेरा जो ग्लासेस हैं, ठीक है थीके? उनका वेट कितना है जब मैं वेट की बात कर रहा हूं तो ये इसके पीछे भी मैथमेटिक्स है कैसे फॉर एग्जाम्पल ये दो ग्राम है ठीक है ग्राम मेरा यूनिट है और दो हो गया हम इसी को किलोग्राम में भी लिख सकते हैं कैसे डिवाइडेड बाय थाउजेंड हम कर देंगे तो ये हमारे पास किलोग्राम हो जाएगा ठीक है so सो इट्स like लाइक पॉइंट टू किलोग्राम सो so, यूनिट्स बड़े मैटर करते हैं आप एक नंबर को तो दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बट द यूनिट शुड बी ऑल्सो कन्वर्टेड इन टू दैट थिंग तो यूनिट्स हमारे लिए मैटर करते हैं फिर क्वांटिटी क्वांटिटी की बात हम करते हैं क्वांटिटी क्वांटिटी डिफरेंट होती है मेजरमेंट से क्वांटिटी क्या होती है किसी चीज को काउंट करना यानी कि मैं यहां पे काउंट करता हूं अब आपने बोला आपके पास हजार रुपया है दैट वाज एन अमाउंट मैं कहता हूं अब मुझे बताएं दस रुपए वाले कितने नोट हैं दस रुपए वाले कितने नोट हैं जब आप दस रुपए वाले नोट्स को गिनेंगे तो आप कहेंगे मेरे पास सौ नोट हैं दस रुपए वाले दिस इज अ क्वांटिटी क्वांटिटी आपकी होती है मकदार ठीक है तादाद सॉरी नोट मकदार तादाद अब इसी तरीके से एक और बात करते हैं आपके पास है हजार रुपया और आपके छोटे भाई के पास है दो सौ रुपया और आप दोनों यहां पे क्लास के अंदर बैठे हुए हैं ठीक है आपके पास है यू हैव थाउजेंड रुपीज और योर यंगर ब्रदर हैज टू हंड्रेड रुपीज अब जब हम इन दोनों चीजों को देखते हैं अगर आप गौर करें तो आपके पास हजार इस वजह से है हो सकता है आपकी पॉकेट मनी ज्यादा हो ठीक है छोटे भाई के पास 200 इसलिए है क्योंकि उसकी पॉकेट मनी कम है सो so, ये जो हमने बात की है कि छोटा मींस यंगर ब्रदर ये है एल्डर ब्रदर मेरी इंग्लिश खराब भी है मैं इसको लार्जर भी लिख देता हूँ अक्सरों यंगर ब्रदर एंड एल्डर ब्रदर हम अब रिलेशन क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई छोटा है फैमिली में तो उसकी पॉकेट मनी कम है यानी कि लेस है और अगर कोई बड़ा है उसकी पॉकेट मनी ज्यादा है मैं जिस पॉइंट पे लेके जाने लगा हूँ आप वो देर जरा सुनिएगा इसके बाद आपके पास लॉजिकल रीजनिंग भी होनी चाहिए लॉजिकल रीजनिंग क्या है क्या आप लॉजिक क्या बना रहे हैं कि ये बड़ा और छोटा क्यों है आपके पास लॉजिक ये है कि उसकी जो एज है एक तो ये फैक्टर है वो दस साल कम है दूसरे से ठीक है दूसरा ये हो सकता है कि उसकी जो हाइट है वो भी कम है अनटिल एलनेस बड़ा भाई जो है वो वैसे ही थोड़ा सा कदम थोड़ा पीछे रह गया हो एंड देन ऑन अदर साइड हाइट के अलावा देर आर अदर पैरामीटर्स एज वेल ठीक है वो आप उसकी तरफ देख के शक्लो कि बियर्ड है कि नहीं है इस बेस पे अंदाजा लगा सकते हैं एंड मैनी अदर फैक्टर्स तो लॉजिकल रीजनिंग क्या है कि आप उस चीज की रीजनिंग बताने लग जाएं कि वाई दैट यंगर ब्रदर हैजेन रुपीज टू हंड्रेड रुपीज देन वन थाउजेंड रुपीज देन द एल्डर ब्रदर ठीक है अब ये होगी लॉजिकल रीजनिंग इसके बाद हमारे पास रीजनिंग के साथ साथ रिगोरस प्रूफ होने चाहिए रिगोरस प्रूफ ये जो हम ऊपर बात कर रहे हैं रीजनिंग और बाकी चीजों की इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास बेसिक डिफरेंट किस्म के आ, कह सकते हैं आपके फैक्ट्स होने चाहिए फिगर्स होने चाहिए अमाउंट्स होने चाहिए डिफरेंट लोगों का यही मानना हो जो हमने यहां पे बताया रिगरस प्रूफ का मतलब यह है कि यह टाइम स्पेस और डिफरेंट चीजों की बेस पे मैटर नहीं करता ठीक है तो ये अगर सारी चीजें देखी जाए आपको हर एक जगह पे नंबर्स दिखाई देते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था नंबर्स इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में ठीक है एंड देन द अदर वन वाज यूनिट्स फिर आपको मैंने बताया जनाब आपका लॉजिकल रीजनिंग भी बताई आपको रिलेशनशिप भी बताया कि नंबर्स का रिलेशनशिप लॉजिकल रीजनिंग लास्ट बट नॉट द लिस्ट रिगोरस प्रूफ और अगर आप इन सारी चीजों को मिला के चलते हैं और इन सारी चीजों को नंबर्स के थ्रू आप आइडेंटिफाई करके प्ले करते हैं इनके साथ उसी को मैथमेटिक्स बोलते हैं यानी कि अब इसकी हम लिटरल एग्जांपल देख लेते हैं और मैं यहां पे आपको छोटे छोटे हिंसों के अंदर लिख के भी दिखा देता हूं मैथमेटिक्स या मैथ सेम चीज है बेसिकली मैथे मैथिक्स ठीक है मैं यहां पे अब लिखता नहीं हूं मैं टाइप करता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए मैं यहां पे टाइप करता हूं मैथमेटिक्स इज ए फॉर्मल साइंस दैट डील्स विद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर क्वांटिटी structure space change and relation utilizing a system of logical reasoning and rigorous proof to explore and explain to explore and explain the concepts अब आप जरा गौर से देखिएगा कि हमारे पास ये मैथमेटिक्स की एक डेफिनेशन है जो गोरे ने की है ठीक है अब आ, मैं लिटरल डेफिनेशंस पे नहीं जाने लगा कि फ्लां साइंसदान ने क्या डेफिनेशन की फला मैथमेटिशियन ने क्या की फ्ला ने क्या की फला ने, ने क्या की मैं आपको टोटल इसका ओवरव्यू बता रहा हूं तो जब भी आप मैथ की बात करते हैं तो आप फॉर्मल साइंस से समझें यानी कि ये ऐसी साइंस है जो जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर भी घुसी हुई है अप्लाइड भी है और अपने आप के अंदर भी एक साइंस है वी विल टॉक अबाउट दिस लिटिल बिट लेटर लेकिन जो चीज मैं दे बताता हूं वो बताता हूं कि डील करती है ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ वो अक्सर को आता आपने सुने ही है क्लासेस के अंदर सपोज एक्स इज इक्वल टू दिस सपोज दैट वन इज इक्वल टू दैट तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आप देखते हैं मतलब ये अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी है मैं यहां पे अगर पेन को ऐसे ऊपर करता हूं तो मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास एक पेन है ठीक है तो एब्स्ट्रैक्ट मेरे पास क्या हुआ एक So, I कुड हैव अदर पेन्स तो मेरे ख्याल के अंदर अभी ये वाला पेन इस वक्त मेरे पास है सो एब्सट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे ऑफ नंबर्स एंड देन हम quantities की बात करते हैं कि कौन कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ है स्ट्रक्चर क्या है उसकी मेजरमेंट जिसको हम बोलते हैं geometry आ जाती है इसके अंदर और बाकी और भी चीज़ें आ जाती हैं कि इसका जो रबर uh, है वो पीछे से थोड़ी सी गोल है और ये आगे इसकी पिन जो है वो बिल्कुल छोटी सी है दीज काइंड ऑफ थिंग्स तो आप इसको देख सकते हैं स्पेस यानी कि कहां पे पड़ी हुई है और किस तरीके से नजर आती है चेंज इसमें क्या हो रही है अगर मैं इसे लिखता हूं तो क्या ये टीयर एंड वियर होता है इसको या नहीं होता और रिलेशन क्या है आपस में सो so, अगर आप इन पांच छह कॉन्सेप्ट को याद रखें तो ये मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं एंड बिलीव मी यही सारी चीजें जब आप कंप्यूटेशन लेवल पर करने लग जाते हैं उसको हम डेटा साइंस बोलते हैं ठीक है जिसमें डोमेन नॉलेज आ जा जाता है एंड दैट्स इट और कंप्यूटेशन पावर सारी बात है वो तो आनी है जब बड़ी चीज पे हम कोई काम करते हैं तो मैथमेटिक्स ऑन ए बिगर स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा साइंस लेकिन ज़ाहिर बात है उसमें डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी है आपके जो नंबर्स हैं वो स्पेसिफिक फील्ड से हो जाते हैं और आपकी जो क्वांटिटीज हैं वो स्पेसिफिक फील्ड से हो जाती हैं स्ट्रक्चर स्पेसिफिक फील्ड से हो जाती है जो डेटा की होती है एंड देर आर मैनी अदर थिंग एज वैल अब ये होगी सिंपल सी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन यहाँ पर आपका एक छोटा सा टास्क ये है आपने इसकी जो मैथमेटिक्स की जो डिफरेंट डेफिनेशन है ना वो आपने रीड आउट करनी है डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स और आपने रीड आउट करना कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं है विदिफिक uh, uh, जिस, जिस भी आप कह सकते हैं मैं साइंटिस्ट इस वजह से कहता हूं बिकॉज द टर्म इज आर एक्चुअली चेंजिंग इन टू डेटा साइंटिस्ट तो मैं इस वजह से डेटा साइंटिस्ट की बेस बेस को साइंटिस्ट बोल रहा हूं आप मैथमेटिशियन भी बोल सकते हैं मैथमेटिशियन ठीक है जिस जिसने इनकी डेफिनेशन जो लिखी है आपने उनके नामों के साथ बतानी है ठीक है और ये तो होगी क्वांटिटी यहां तक अब जो मैंने आज का लेक्चर स्टार्ट किया मैंने जीरो टू मैथ क्यों बोला इसे इसके पीछे भी एक साइंस है वो साइंस क्या है मैं अभी आपको बताता हूं जो लोग मेरे साथ पाइथन पढ़ रहे हैं दे नो के हम जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं जब भी किसी डेटा फ्रेम को या एरे को देखते हैं सो दैट वॉज वन ऑफ द थिंग्स द अदर थिंग इज आपने जीरो के पीछे थ्योरी क्या है कब और कैसे जीरो मार्ज वजूद में आया था या डिस्कवर किया गया था या इसको डिफाइन किया गया था यू हैव टू फाइंड आउट दैट वन एज वेल इसपे हम बड़ी डिस्कशन भी करेंगे बट फॉर नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट दीज टू थिंग्स पहली मैथमेटिक्स की डेफिनेशन द सेकेंड असाइनमेंट इज टू सी के जीरो के पीछे थ्योरी क्या है और किसने यह दरिया किया था ठीक है और जहारी बात है मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स के आपको बेबहार डेफिनेशन मिलेंगी लेकिन जो मेन चीज़ है नंबर्स के साथ आप डील करते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ़ यूनिट जियोमेट्री एंड मैनी अदर थिंग्स अब आपको ये और भी क्लियर हो जाएगी बिकॉज़ वी आर नाउ जम्पिंग इन टू अ डिफरेंट पार्ट अब नेक्स्ट लेक्चर में जो अभी इन इन अ मिनट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ या आपको सेकेंड वीडियो के अंदर मिलेगा उसके अंदर हम देखेंगे कि ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या हैं